सावन के महीने में शिव भजन हर हर शंभू गाकर सुर्खियों में आई फरमानी नाज की असली कहानी बेहद दर्दनाक है। कड़े संघर्ष के बाद उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। अपनी जादुई आवाज से चर्चा में आई फरमानी नाज इन दिनों कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी के निशाने पर हैं, क्योंकि फरमानी ने भगवान शिव के ऊपर एक गीत गाया है। देवबंद के उलेमा का कहना है कि फरमानी को शरिया कानून के तहत गाना गाने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा कि गाना गाना हराम है, मुस्लिम मानने वाली महिलाओं को गाना गाने से परहेज करना चाहिए। उलेमा के बयान पर अब विवाद शुरू हो गया है। फरमानी ने कहा है कि एक कलाकार का कोई धर्म नहीं होता है, जब मैं गाना गाती हूँ तो सब भूल जाती हूँ। फरमानी नाज कव्वाली भी गाती हैं, यहाँ तक कि मोहम्मद रफ़ी ने भी भक्ति गीत गाए हैं। उन्होंने बताया कि मुझे कभी कोई धमकी नहीं मिली, हाँ थोड़ा विवाद ज़रूर हुआ है लेकिन मेरे घर तक कोई नहीं आया है। फरमानी सोशल मीडिया पर काफ़ी मशहूर हैं, यूट्यूब पर 3.84 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। इंडियन आइडल के सीज़न 12 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसके बाद उन्हें और पहचान मिली। साल 2017 में उन्होंने मेरठ के रहने वाले इमरान से निकाह किया था। 2019 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाक और मुंह का एक छेद था। बेटे को देखकर ससुराल वाले भड़क गए और फरमानी को परेशान करने लगे, जिसके वजह से वो मायके में आकर रहने लगी थी। मायके की आर्थिक हालत भी ठीक नहीं थी। शुरुआत में उसने अपने कुछ जेवर बेचकर बेटे का पेट पालने की कोशिश की, लेकिन कुछ महीनों में बेटे के दूध के लिए भी पैसे नहीं बचे। उन्हें बचपन से ही गाने का शौक था। इस बीच भूरा ढोलक ने फरमानी नाज को गुनगुनाते सुना और उसे YouTube चैनल के लिए गाने का प्रस्ताव दिया। इस पर फरमानी की मां ने राहुल मुल्हेड़ा से मुलाकात की। फरमानी की मां ने राहुल से कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, ऐसे में मेरी बेटी फ्री में वीडियो नहीं बना पाएगी। इसके बाद राहुल ने फरमानी को सैलरी का ऑफर दिया।